हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने इसके बाद 3 राज्यों में नए नेतृत्व को आगे किया। वहीं इन राज्यों में मिली हार और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस ने भी कई राज्यों की लीडरशिप में बड़े बदलाव किए हैं। आला कमान को उम्मीद है कि युवा ब्रिगेड को कमान देने से पार्टी की डूबती हुई नैया पार लगेगी। बदलाव की इसी कड़ी में कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व राज्य मंत्री 48 साल के उमंग सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है, तो वहीं 38 साल के हेमंत कटारे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीतू पटवारी ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि उमंग सिंघार आदिवासी समाज से हैं, वहीं हेमंत ब्राह्मण समाज से हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत को विधायक दल का नेता चुना गया है। हालांकि यहां दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने यह फैसला तब लिया है जब तीनों राज्य में मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने जाति संतुलन साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के पुराने नेताओं को साइडलाइन करने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मौजूद पार्टी के पुराने नेताओं का अब क्या भविष्य है। 14 दिसंबर को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा था कि मैं रिटायर होने वाला हूं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पार्टी कमलनाथ को कोई पद देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राज्यसभा में ही बने रहेंगे, उन्हें भी कोई बड़ा रोल फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल से नाराज है। राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह अब पार्टी युवा चेहरे को आगे लाने के मूड में है। राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बदलाव की तैयारी में है।